हमारे कार्यकर्ता का, सभी कार्यकर्ता का, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की बिल्कुल 2000 बाबू ने मांगे आपसे, मैंने कहा सारे ऑफिस की इनको जो करना है कर लें दो, बात करो बात करो, एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे, मैडम आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है, ये सब भाजपा के, अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके कागज बना दिए, क्या गलती थी 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया, बदतमीजी हाथापाई करी आपके कर्मचारी, आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी, पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, दूसरी बात तो सब आप बताओ भाजपा के हो कि बसपा के हो, भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ हम जो बात सही है अगर उसे सही तरीके से आपको कह कर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ 2000 लाओ, कहाँ देके आयो मुझे दिखाओ, नहीं क्यों दे हम 2000 नहीं दिए ना, नहीं दिए झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो, नहीं मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे, नहीं कोई नहीं, मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं, रही बात प्रमोद की और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी ठोक दो आप, सब अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, अगर 354 में 307 कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ, सक्षम है जी, ठीक है सक्षम आज हूँ कल भी रहूंगी, और फालतू की बात नहीं, इतना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप, 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए, चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है, ये क्यों भीड़ आ रही है इस वजह से, कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है और किसको शिकायत है, किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी जो लोग खड़े हैं ये जो आए हैं इसीलिए, आप सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे, हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, हम हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे, हमारे हमराह के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, एसओ से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो, धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को, आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, आपके अधिकार है, आप पे तो अधिकार है, आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं, आखिर वही की यही क्यों आए, बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की, हमने सबको तो नहीं बंद किया, इसके बाद भी कूल होने को कहा गया, और तो कुछ ना कहा, क्या था चाबी मांगी थी, मैं वही बिल्कुल यहाँ से लेके जा भगवान के शंकर मंदिर के शंकर भगवान में करवा दो हाथ मेरा, केवल चाबी मांगी इंस्पेक्टर साहब से, ना जी मैं जाके हम भी खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, नहीं 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 ये तो वो बंदे हैं जो आज चाहे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें, कौन करवा दे, आपका बेटा क्या कर रहा था, MBBS करने जा रहा था, नहीं कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के, जिम में बिना हेलमेट जाएगा, नहीं मैं कह तो रही हूँ, नहीं चालान काटिए ना मैडम, मैडम सुनिए हाथ कैसे उठा दिया मैडम, 15 थप्पड़ मारे केवल इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली, मैं था, मेरा भाई था, दिखाओ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, तो कहीं हाथ से नहीं कहता मैं, कहीं भी जाओ, गलत किया है, कहीं भी जाओ, गलत किया है, हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं, मेरी बात सुनो, हाथ तुम्हें करने से कोई जरूरत नहीं है, अपनी बात करते हैं हम आपका, यार गलत कर रहे हैं। सबको जेल भेज दे।